हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में बात करने वाले बेबी फ्लो की क्वाइन और टोकन के ऊपर, और साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं प्राइस पंप जो आया है 4%, तो इसके बारे में भी बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट हैं। तो वीडियो में जो भी नया है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल बात करें बेबी फ्लो की टोकन की, तो यहाँ पे इसकी रैंकिंग देख सकते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा पीछे जा चुकी है। ऑलमोस्ट 3000 से ये 7000 पे जा चुका है। और यहाँ पे इसकी वॉच लिस्ट आप देख सकते हो जो कि 14000 वॉच लिस्ट है ऑलमोस्ट यहाँ पे। और इसमें जो पंप आया है आज के दिन, यहाँ पे 4% का पंप आया है। और यहाँ पे आप बात करें फ्लो की प्राइस स्टैटिक्स की, तो यहाँ पे आप प्राइस स्टैटिक्स देख सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट 80 यहाँ पे किल करना होगा इसे डॉलर पे पहुँचने के लिए। और प्राइस चेंज आप ऑलमोस्ट 4% देख सकते हैं। 24 आवर की लो और हाई आप ट्रेडिंग वॉल्यूम देख सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे 4% का जो है पंप देखने को मिला है, और ट्रेडिंग वॉल्यूम का नो डाटा है क्योंकि ये क्वाइन काफ़ी ज़्यादा रैंकिंग में पीछे जा चुका है और इसके जो एनालिटिक्स हैं ज़्यादा यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे मार्केट कैप कैप आप देख सकते हैं जो कि 9,24,000 डॉलर यहाँ पे इसकी मार्केट कैप हो चुकी है। और फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप की बात करें तो 1.5 मिलियन डॉलर की हो चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा सिग्नल होने वाला है बेबी फ्लो की क्वाइन होल्डर्स के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं अगर बेबी फ्लो की क्वाइन की USD चार्ट, तो आप देख सकते हैं आज के दिन पे यहाँ पे अच्छा खासा पंप आया है, ऑलमोस्ट 4% का ही पंप आया है। लेकिन यहाँ पे जो ये क्वाइन है बहुत ही दिनों से यहाँ पे डाउन जा रहा था, ऑलमोस्ट 7 डेज, ऑलमोस्ट 1 मंथ का भी यहाँ पे ग्राफ देखे तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे 5 से 6 गुना ये क्वाइन जो है यहाँ पे डाउन जा चुका था। और फिलहाल जो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो है एकोमोडेशन जोन टाइप का यहाँ पे जिगजैग पैटर्न बना, फिर यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है आज के दिन पे पंप देखने को मिला है इस क्वाइन में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इन्वेस्टिंग के तौर पे ये क्वाइन बहुत ही लो प्राइस क्वाइन है। अगर यहाँ पे आप देखें $1 में तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट कितने क्वाइंस मिलने वाले हैं, ऑलमोस्ट बिलियन में भी क्वाइंस ये होंगे। बात करें बेबी फ्लो की क्वाइन की अपडेट को लेके, तो जैसे ही अपडेट को लेके बात करते हैं तो आ चुके हैं हम यहाँ पे ट्विटर हैंडल पे, जहाँ पे आपको एक ट्वीट देखने को मिलेगा एक्स बेबी फ्लो की क्वाइन इंटू NFTs, यानी कि यहाँ पे NFTs जो बेबी फ्लो की क्वाइन का वो लॉन्च होने वाला है बहुत ही नियर बाय फ्यूचर में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और लिस्टिंग हुई है बेबी फ्लो की क्वाइन की जो कि फेग EX है कुछ यहाँ पे वॉलेट टाइप का, तो यहाँ पे जो है इसकी लिस्टिंग हुई है। और यहाँ पे बेबी फ्लो की क्वाइन की आप एक ट्वीट देख सकते हैं जहाँ पे वी आर गोइंग टू रिलीजिंग सम NFTs इन द नियर फ्यूचर, नियर यानी कि आने वाले समय में ये जो है अपने खुद का NFT जो है यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। वी विल शो सम प्रीव्यू इन द कमिंग डेज, और कुछ दिनों में यहाँ पे हम लोगों को कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, कुछ इसके इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी NFTs से बेबी फ्लो की क्वाइन का। तो यहाँ पे जो है अपडेट यहाँ पे इतना ही फिलहाल। और आज का जो पंप हुआ मार्केट में, यानी कि इस टोकन में जो पंप आया है, फिलहाल आपने कितने क्वाइन होल्ड किए थे या फिर आप होल्ड करने की यहाँ पे सोच रहे हैं बेबी फ्लो की क्वाइन की, तो कमेंट में ज़रूर करें और एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर करें। और यहाँ पे कुछ भी सवाल जवाब हो तो इस क्वाइन से रिलेटेड आप ज़रूर से वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई कर दूंगा या फिर एक न्यू वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और फिलहाल और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, www.analyzingcrypto.blogspot.com पे जा सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि क्रिप्टो अपडेट्स टेलीग्राम चैनल है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल इस क्वाइन का प्राइस आपको जो है आने वाले ऑलमोस्ट 1 to 2 ईयर्स में आपको इस तरह से अगर परफॉर्मेंस करता रहा तो ऑलमोस्ट ये जो आपको $0.001 यहाँ पे देखने को मिलेगा, मे बी $0.01 भी मिल सकता है या फिर $1 भी मिल सकता है। लेकिन इस तरह से अगर परफॉर्मेंस करे तो यहाँ पे इस क्वाइन की वैल्यू जो है नेक्स्ट ईयर में आपको 0.001 से लेके $0.01 तक दिखने वाली है, क्योंकि ये क्वाइन एक तो मीम टोकन है, साथ ही इसकी जो है पॉपुलरिटी भी उतनी ज़्यादा फिलहाल यहाँ पे नहीं है जैसे कि और भी बात करें मीम टोकन्स को लेके, जैसे डोज क्वाइन हो गए, शिवाइन हो गए, ये तो खैर यहाँ पे अब रेस के घोड़े निकले हैं। लेकिन यहाँ पे बेबी फ्लो की क्वाइन और भी जितने छोटे मीम है, मीम क्रिप्टो टोकन है, तो यहाँ पे उसकी जो प्राइसिंग है काफ़ी लो है और इसमें काफ़ी स्ट्रगलिंग चल रही है, और इसके बैकग्राउंड में लेके इस क्वाइन को लेके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट किया जा रहा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल साथ ही वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।